कल बड़ा दिन है क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटें जो बची हुई हैं उन 7 सीटों पर कल मतदान होने वाला है। 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसमें करेंगे। पोलिंग बूथों पर मतदान दलों को रवाना करने की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा बलों की 202 कंपनियों की तैनाती की जाएगी और कुल 15,701 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। 1,072 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं इसमें और 52 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील हैं। वहीं 7,887 मतदान केंद्र ऐसे हैं इसमें जहां की निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग करने वाला है, निगरानी रखने वाला है। 202 सीआरपीएफ और आईटीबीपी की कंपनियों की तैनाती इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए होगी। रायपुर और बिलासपुर लोकसभा में 3 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होगा। तो कल जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बिलासपुर लोकसभा सीट भी है जहां पर कल यानी कि 7 मई को मतदान होना है। वोटिंग के मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुकी हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और स्ट्रांग रूम से जो मतदान दल है अब केंद्रों में पहुंचने लगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो चुनाव सामग्री है उसको लेकर जो दल है वो अब यहाँ पर पहुँच चुका है। मैं इस वक्त बिलासपुर के राघवेंद्र राव हॉल भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो तैयारियाँ निर्वाचन आयोग की तरफ से की जानी थी, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो पूरी कर दी गई है। यहाँ पर लोगों के आने के लिए छाएँ की व्यवस्था की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही पानी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतदान दल देखो जो कि अब यहाँ पर पहुँचा हुआ है और कड़ी सुबह से ही ये 7 बजे से स्ट्रांग रूम पहुँच गए थे, चूँकि बिना खाए पिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो अब ये जो है अभी ये लंच कर रहे हैं। तो कुछ जो यहाँ पर पीटासीन अधिकारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की आप लोगों को पूरी प्रशिक्षण दिया गया है और कितने बजे आप वहाँ पर पहुँचे थे स्ट्रांग रूम। शासन के निर्देशानुसार हमको जो टाइम मिला था सुबह 7 बजे पहुंचने का, हम निर्धारित समय पर पहुंच गए थे और सही समय पर अपना चुनाव सामग्री पे BU CU ये सब सामग्री ले लिए थे। मिलान करने के बाद साथियों से मुलाकात होने के बाद फिर और भी जो साथी लोग हैं अन्य बूथ के, फिर इकट्ठा होकर बस से अपने गंतव्य स्थान पर आए हुए हैं और लंच करने के बाद फिर जो काम धाम करना है उसको आगे बढ़ाएंगे। लगभग 2,251 जो है पोलिंग बूथ है और वहाँ पर 9,004 जो है वो मतदान दल जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बेहतर ढंग से इस मतदान को मतदान प्रक्रिया उसको कराने के लिए जो टीम है उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। लगभग 1 हफ्ते से ये प्रशिक्षण चला और प्रशिक्षण चलने के बाद जो है अब मतदान दल मतदान केंद्रों में पहुँचने लगे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कल जब सुबह होगा तो सुबह होते ही पहले मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसके बाद 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बिलासपुर से News18 के लिए उमेश मौर्य। और मौसम विभाग ने 7 मई को होने वाले 7 लोकसभा सीटों के हिसाब से मौसम का आकलन करके हाल बता दिया है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा बता रहे हैं कि कल लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली, तो मतदान करने जा रहे हैं तो तैयारी से जाएं। कल छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 44 डिग्री तापमान रह सकता है, कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रहेंगे। लगभग तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, दिन में कुछ हद तक बादल रहने की संभावना है, शाम या रात्रि में मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है, साथ ही साथ गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी संभावना बनी।